सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि हमें एक हॉस्टल का टूर चाहिए। सो हे इज द वीडियो, आप पीछे देख सकते हैं हमारा हॉस्टल है जेसी बोस हॉल। ये हमारा हॉस्टल है, फर्स्ट ईयर को ये हॉस्टल दिया जाता है। हॉस्टल नंबर 2 है ये जेसी बोस हॉल। आई डोंट नो फर्स्ट ईयर के हॉस्टल को हॉस्टल नंबर 2 नाम देने का आइडिया किसका था, बट जो भी है इसका टूर देते हैं आपको, चलिए आइए। सो बाहर से हमारा हॉस्टल कुछ ऐसा दिखता है और कुछ दूर में ही हम लोग का ये हॉस्टल नंबर 1 है जो कि सेकेंड ईयर का हॉस्टल है और वहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ है, वो आपको मैं बाद में दिखाऊंगा। सो अभी चलते हैं अंदर। सो ये हमारा एंट्रेंस है और यहाँ पे सरस्वती माँ का मूर्ति, और एंट्रेंस करते ही हम लोग का पहले यहाँ पे कॉमन रूम आता है जो कि अभी मेस बन चुका है, क्योंकि अभी हम लोग का मेस उधर है जहाँ पे अभी काम चल रहा है। सो फिलहाल जो भी मेस का काम है अभी यहाँ पे चलता है, और ये जो है हम लोग का ये मेस है। अभी फिलहाल तो यहाँ पे शायद काम हो गया है, तो कुछ दिन बाद हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे खाना अपना, एंड वहाँ पे जो भी कॉमन रूम में हो रहा था वो सब शिफ्ट होके फिर से वापस अपने जगह में आ जाएगा। एंड ये गाइस हम लोग का नोटिस बोर्ड है, आपको जो भी इम्पोर्टेंट नोटिस होगा सब यहाँ पे लगा दिया जाता है, जो कि हम लोग आज तक पढ़े नहीं है। ये हमारे असिस्टेंट सीआर साहब जो कि अनऑफिशियल सीआर है। सो अभी हम लोग ग्राउंड फ्लोर में है और हम लोग का रूम वैसे वहीं पे है, बट यहाँ पे जो भी आएगा मैं आपको वो सब दिखाते चलूंगा। सो हमारे ग्राउंड फ्लोर में ये एक लाइब्रेरी है जो कि एक वीक के लिए, मतलब आप यहाँ से एक वीक के लिए बुक्स बोरो कर सकते हैं। बाकी अगर आपको और ज्यादा बुक्स बोरो करनी है तो आप जो सेंट्रल लाइब्रेरी हमारे कॉलेज की उसको विजिट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हम लोग का गेम रूम है जहाँ पे कैरम वगैरह हम लोग खेल सकते हैं और मैक्सिमम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। बर्थडे के ब्लॉग्स देखते हैं सब इसी के अंदर होता है, जो कि अभी बंद है क्योंकि यहाँ कंस्ट्रक्शन का सामान रखा हुआ है। यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पे एक नॉर्मल बेसिन एरिया जहाँ पे आप हाथ पांव मुंह धो सकते हैं, कपड़े और बर्तन धो सकते हैं। एंड उसके बगल में ही हम लोग का ये बाथरूम एरिया है, वॉशरूम, जहाँ पे 3 टॉयलेट्स वाले हैं और 3 फॉर सिटिंग पर्पस, और यहाँ पे 3 नहाने के लिए हैं, जिसमें अभी लाइक 2 तो डैमेज्ड ही हैं, बट वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, हम लोग ने कंप्लेन किया है। सो वॉशरूम के बगल में हम लोग का रूम है और ये हमारा रूम जहाँ पे क्षितिज आ चुका है। एंड फाइनली 1 महीने बाद आए। सो बेसिकली आपको एक रूम में 3 बेड दिए जाएंगे, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, और 3 टेबल दिए जाएंगे और 3 कबर्ड्स जहाँ पे आप अपने सामान रख सकते हैं। ये एक्स्ट्रा टेबल है पीछे जो हम लेके आए हैं, वो आपको खुद से जुगाड़ करना होगा, हॉस्टल में रहेंगे तो सीख जाएंगे। सो गाइस मैं आपको और रूम्स नहीं दिखाने वाला हूँ क्योंकि बेसिकली सारे रूम्स एक ही हैं। सारे रूम में आपको 3 बेड, 3 टेबल्स एंड 3 कवर्ड्स मिलेंगे, एंड हर फ्लोर में आपको 2 वॉशरूम्स मिलेंगे जैसे मैंने आपको दिखाया। एंड हर फ्लोर पे कई वॉशरूम्स होते हैं, जैसे इस विंग में एक वॉशरूम है, एक वॉशरूम उस तरफ वाले विंग में है, जो एक एक हर विंग में एक वॉशरूम आपको मिल जाता है। हमारी कैंटीन, सो जैसे ये हमारी कैंटीन है, आप उस विंग में जाइएगा तो उस विंग में भी आपको एक वॉशरूम मिलेगा, कॉमन वॉशरूम, और लाइक हर विंग्स में आपको 2 वॉशरूम्स मिलेंगे। और ये जो हम लोग का है ये बैडमिंटन एरिया है, कोर्ट बन रहा है इस वक्त, अभी फिलहाल यहाँ पे सरस्वती पूजा हुआ था इसलिए ये सब रखा हुआ है, बट ये हम लोग का बैडमिंटन एरिया है। ये रहा ग्राउंड फ्लोर का सेकंड विंग, मतलब सेकंड कोई नाम नहीं है, और ऊपर जाने का एक रास्ता इधर से भी है, एक रास्ता जहाँ से हम लोग आए वहाँ पे स्टेयर्स था, तो कहीं से भी जा सकते हैं। एंड सेकंड फ्लोर में आपको ये एक टेरेस टाइप का एरिया दिख जाएगा जहाँ से आप व्यू ले सकते हैं, और जैसे कि मैंने शायद वो फोर्थ ईयर का हॉस्टल आप देख सकते हैं उधर, एंड इधर जो हल्का सा दिख रहा है वो थर्ड ईयर का है और ये है सेकंड ईयर का हॉस्टल, पेंट हो रहा है पेंट। एंड ये हमारा वो जो ब्लू कलर की बिल्डिंग्स हैं वो है नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी। एंड सेकंड फ्लोर में ये एक बेसिन एरिया जहाँ पे यहाँ पे फिल्टर वाला पानी आता है, आप देख सकते हैं यहाँ से ये पीने का पानी हम यहाँ से आता है। हालांकि पीने के पानी की व्यवस्था काफी जगह पे है हमारे हॉस्टल में, लेकिन काम के
कुछ जगहों में करते हैं। सेकंड फ्लोर का एक विंग है जहाँ पे आपको वॉशरूम्स मिल जाएंगे, एंड यहाँ पे भी ये एक बेसिन एरिया है जो कि सेकंड विंग में है, एंड यहाँ पे अभी फिलहाल तो काम चल रहा है। और यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट रूम्स है फिलहाल। यहाँ पे सीनियर्स के नाम लिखे हुए हैं, यहाँ पे सेकंड ईयर वाले सीनियर्स। एंड ये रहा हम लोग का फर्स्ट फ्लोर, और अब चलते हम लोग ऊपर। हम लोग के बिजनेस मैन जो कि एक महीने में ही रह के इसने 28 से 30 हजार का रेवेन्यू जनरेट किया है खुद से। अपना रूम नंबर बताओ, अपना रूम नंबर बताओ। रूम नंबर 58। तो आप अगर किसी को कुछ भी नहीं है हॉस्टल में, अगर तुम अगर आ रहे हो इस वाले हॉस्टल में, ठीक है, बाद में किसी भी ईयर में मेरे को बोल देना, कॉन्टैक्ट कर देना, सब कुछ ए टू जेड एक नंबर। तो गाइस यहाँ से हम लोग का स्टार्ट होता है सेकंड फ्लोर, एंड फिलहाल तो अभी आपको हर जगह कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे, मतलब दिख रहे होंगे क्योंकि अभी पूरा रेनोवेट हो रहा है। वाह, यहाँ पे टाइल्स लग चुके हैं। ये कॉमन बेसिन फर्स्ट विंग का, क्या हालत है। एंड फिलहाल हालत अनसेंसर्ड मोमेंट्स ऑफ कॉलेज हॉस्टल। एंड ये हमारे शाद का रूम है क्या? चलता ही है। सो गाइस सारे सारे फ्लोर्स के एक ही कंस्ट्रक्शन है, एक ही टाइप के डिजाइन है, तो मैं आपको हर जगह जाके दिखा नहीं रहा। तो अभी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं टेरेस एरिया, बालकनी है, इसी बालकनी है जो बंद है शायद, आई सपोज, या फिर नहीं बंद, खुली है, खुली है। सो ये हम लोग का बालकनी एरिया जो कि काफी बड़ा है, लग रहा है किसी के अमेज़न से डिलीवरी आई है। एंड ये फ्रंट व्यू है हम लोग का, यहाँ पे हम लोग क्रिकेट खेल सकते हैं, जहाँ पे अभी गाय चल रहे हैं फिलहाल, ठीक है। एंड वो जो ग्राउंड दिख रहा है आपको टूर में, वो ओवल ग्राउंड है। ओवल ग्राउंड है, वहाँ उसका नाम ओवल है, जी हाँ, हमारे कॉलेज में ओवल है, हमारे कॉलेज में ईडन भी है, हमारे कॉलेज में बहुत सारे सब कुछ है। एंड वो टूर में आपको बास्केटबॉल कोर्ट दिख जाएगा। एंड एक डिटेंशन में लीजिए, एक डिटेल्ड कॉलेज टूर भी आएगा, बट फिलहाल इतना ही। सो अभी हम लोग अपने बेस्ट एरिया में आ चुके हैं जो कि टेरेस है। के घूमना और गाने सुनना एंड टाइम पास करना इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू जब आपके एग्जाम्स ना चल रहे हो, पढ़ाई करो। एंड सुबह सुबह आपको वहाँ पे कंचनजंगा के पहाड़ दिख जाएंगे जो कि काफी खूबसूरत लगता है। एंड ये रहा पूरा व्यू छत से, एंड ऊपर से हम लोग का बास्केटबॉल मतलब सॉरी बैडमिंटन कोर्ट कुछ ऐसा दिखता है। हो जाएगा, एस्थेटिकली प्लीजिंग नहीं लग रही चीज है। एंड थर्ड ईयर हॉस्टल का एक ज्यादा क्लियर व्यू देख सकते हैं, फोर्थ ईयर और सेकंड ईयर जो कि काफी खूबसूरत लग रहा है सफेद। ये जो है वो सेकंड ईयर की कैंटीन है आई गेस, और हमारा फर्स्ट ईयर का कैंटीन वो है ना। हाँ ये जो कैंटीन है वो हम लोग का फर्स्ट ईयर कैंटीन है। एंड जैसे हम लोग अभी उस तरफ से टेरेस पे आए थे, सो इधर जैसे मैंने आपको बोला था कि दो सीढ़ियां हैं दो साइड से, तो आप इधर से भी आ सकते हैं। एंड ऐसा दिखता है कुछ टेरेस से व्यू। एंड ये जो हम लोग का ये लाइक ये टेरेस दो चीज़ों में डिवाइड है, दो टेरेस में डिवाइड है, एक उधर है और एक इधर है। सो अभी जस्ट हम लोग ने नोटिस किया लाइक क्या ही लग रहा है। सो इस वीडियो में मैं ये बोलूँगा कि लाइक ज़रूरी नहीं है कि आपको हॉस्टल बहुत सुंदर है, वैसे सुंदर है भी नहीं, बट मेन चीज़ है आप अगर यहाँ पे आते हो तो आप श्योरली बहुत इंजॉय करने वाले हो। आप बहुत कुछ सीख जाओगे कि आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकल के जब आप रहते हो तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, उनको कैसे सॉल्व करें। हमने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं यहाँ पे आके जो हम डेफिनेटली घर पे तो नहीं सीख पाते। एंड अगर आप लोग डर रहे हो कि ये कैसा हॉस्टल है, भूतिया ऑफकोर्स दिखता है, मैं मानता हूँ, बट मैं इतना बोल सकता हूँ कि जो आप लोग यहाँ पे मेमोरीज बनाएंगे वो बेस्ट होगा। और भूतिया आपको एक हफ्ते तक ही लगेगा, उसके बाद आपको एंड जब बॉयज हॉस्टल में इतने सारे बॉयज रहे ना तो भूत से डरना नहीं है, भूत को हम बॉयज हॉस्टल के लड़कों से डरना चाहिए। सो वही है, अगर आप हॉस्टल या फिर कॉलेज को देख के मतलब वो अपना वो लेंगे डिसीजन लेंगे कि कॉलेज अच्छा नहीं है हॉस्टल अच्छा नहीं, तो ऐसा मत कीजिए क्योंकि वो सब एक हफ्ते का ही बात होता है, उसके बाद आपको यही अपना घर लगेगा। अगर आपको बहुत ज्यादा ही इश्यूज हो रहे हैं हॉस्टल से तो आप यू कैन ऑप्ट फॉर अ पीजी। बहुत सारे पीजी मिल जाएंगे आपको अगर
उसके रिलेटेड भी वीडियो चाहिए होगा तो आप श्योरली कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बहुत सारे पीजीज के बारे में बता दूंगा। सो अभी हम लोग आ चुके हैं, लाइक मैंने बताया था उधर हम लोग का जो टेरेस था वो फर्स्ट पार्ट था एंड ये सेकंड पार्ट। सो वो पहला वाला पार्ट उधर था एंड हम लोग दूसरे में आ चुके हैं। यहाँ से बहुत क्लियर व्यू मिलता है हम लोग का सेकेंड ईयर हॉस्टल्स का। यहाँ पे भी फिलहाल कंस्ट्रक्शन चल रहा है, देख सकते हैं। बैडमिंटन कोर्ट का एक क्लियर दिखेगा आपको यहाँ से। बास्केटबॉल, हाँ भाई सॉरी बास्केटबॉल। सो दिस वाज अ फुल टूर ऑफ आवर हॉस्टल। इसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा दिखने को नहीं मिलेगा एंड अगर मिलेगा तो मैं और सारी वीडियोस में कवर कर लूंगा। सो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल। एंड गाइस बहुत जल्द ही हमारे कॉलेज का कल्चरल फेस्ट चिकलेट स्टार्ट होने वाला है, जो कि क्या बोलते हैं नॉर्थ बंगाल का सबसे बड़ा फेस्ट होता है कल्चरल फेस्ट। सो अगर आपको चिकलेट का एक टूर चाहिए, मतलब चिकलेट का एक ब्लॉग चाहिए तो हमें जरूर बताइएगा कमेंट्स। एंड वो आप अगर नहीं भी बताइए तो हम लोग बनाएंगे। सो स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब करके रखिए हमारे चैनल को, क्योंकि आपको लाइक जेजीसी के ऊपर तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिलने वाली है यहाँ पे। सो यहाँ बहुत जल्दी ये सब होते रहता है। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। सो बाय गाइज, टेक केयर। बहुत ही जल्द हम लोग मतलब अलग अलग कॉलेजेस के रिव्यूज भी बनाएंगे। Yeah. So stay tuned for all that. Hey.